हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है श्राव्या बिंदर ने, और इस बुक का नाम है समथिंग आई नेवर टोल्ड यू। सो लास्ट वीडियो देखी थी हमने, वीडियो नंबर 3। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 4 की, और इस चैप्टर का नाम है निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन 2017। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो लोग हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर जो ये QR कोड देख रहे हो आप इसका यूज़ कर सकते हो ताकि आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट कर सको। जो अदीरा होती है ना, अभी भी उसकी आंखें वैसी सेम होती हैं, और उसके एक्सप्रेशंस भी। वो अपनी आंखों को ना छोटा कर लेती है, जो ब्राउन आइज होती है वो ना उसको कस के घूर रही होती है, और जब वो उसको गुस्से से घूर के देख रही होती है ना, तो उसके थोड़ा माथे पे बल आता है, और जो कि उसकी रियलिटी होती है ना, उस रियलिटी में वापस आ जाता है रॉनी, और वो ना वही पुरानी चीज़ों को याद कर रहा होता है। अब जो रॉनी का दिमाग है ना, वो रॉनी से बोलता है कि भाई इससे बोल थोड़ा साइड में हो जाए, उसके दुपट्टे के नीचे मेरा कार्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी आंखें होती है ना, वो उसको घूर रही होती है, और जो उसका मुंह होता है ना, वो मना कर देता है कि भैया मेरे मुंह से तो शब्द बाहर ही नहीं आएंगे। अब जो अदीरा होती है ना, अपना सर एक तरफ झुकाती है, अपना हाथ उठा के ना टाइम चेक करती है, क्योंकि वो शायद किसी चीज़ के लिए लेट हो रही थी। अब फाइनली होता क्या है ना, जो रॉनी है वो थोड़ी शक्ति इकट्ठी करता है, और उसका जो दुपट्टा होता है ना, उस तरफ उंगली करके पॉइंट करता है, और कुछ बोलने ही वाला होता है ना, उसको वही सब पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से ना उसने उसको देखा नहीं था, और उसको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने उसको कितने सालों से नहीं देखा, इस खूबसूरत से चेहरे को। और जो अदीरा होती है ना, उसके कॉलेज खत्म होते ही उसे नानी का जो PG था वो छोड़ दिया था। जो रोहित था ना, लगभग उसने 2 महीने पहले बताया था रॉनी को कि अदीरा के पापा ने उसके लिए एक फ्लैट खरीद के दिया है मयूर विहार में कहीं पर। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो रॉनी होता है ना, उसके मुँह से ना पता नहीं क्यों अजीब सी ही निकल जाती है, हंसने लगता है वो, और वो मन में सोचता है कि ये हंसी कहाँ से आ गई। और वो सोचता है ना, भाई डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा, वो फटाफट बोलता है कार्ड। अब जो अदीरा होती है कहती है कार्ड, कौन सा कार्ड, और ना बड़े गुस्से से उसको देख रही होती है। अब जो रॉनी होता है ना, वो डिसाइड करता है कि भाई अब वो कुछ भी नहीं बोलेगा, शायद आज तेरा दिन नहीं है रॉनी। वो क्या करता है ना, उसके दुपट्टे की तरफ इशारा करता है। अब जो अदीरा होती है ना, अपने दुपट्टे की तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है। अब रॉनी मन में सोचता है ना कि इसको पता भी है कि मैं हूँ कौन, अभी तो बस 3 ही महीने हुए हैं। अब जो अदीरा होती है ना, कहती है होल्ड ऑन यार, यहाँ पे। अब ये बोलते ही ना वो रुक जाती है, और ना पूरा ऊपर से नीचे रॉनी को देखती है, फिर कहती है ना क्या है रौनक। और जैसे ही वो सुनता है ना, जो रॉनी होता है वो तो खुश हो जाता है, कहता है इसको तो मैं याद हूँ यार, और वो ना बिल्कुल एक्साइटमेंट में अपनी आवाज़ ही खो देता है। अब जो अदीरा होती है ना, इससे वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसको बोलती है ना मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ जब मैं मेट्रो के अंदर पहुँच जाऊँगी। अब वो ना फ़ोन कट कर देती है, और जो रॉनी होता है ना, वो भी उसको देख रहा होता है, पिछले 3 महीने बाद उसने उसको देखा होता है। उसको पता नहीं है कि कैसे सरकमस्टांसेस हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो मन में सोचता है ना कि किसी ना किसी लड़की से ही बात करी होगी पक्का, किसी लड़के से नहीं। अब रॉनी को मन में लगता है ना, ये तेरा चांस है भाई, आज तू नहीं स्टार्ट कर ले, थोड़ा कॉन्फिडेंट बन, ठीक है। मेट्रो कार्ड उठा, उसको बोल तेरा मेट्रो कार्ड उसके दुपट्टे के नीचे है, वो ना तुझसे माफ़ी मांगेगी, उसको रियलाइज़ होगा कि उसने तेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और तब तू उससे बात करना, उसके साथ दोस्ती कर लेना। सब कुछ हो चुका था ना, उसने हवाई किले भी बना लिए थे, दोस्ती यारी भी हो गई थी, और जैसे ही कहता है ना मेरा कार्ड, अब जो अदीरा होती है कहती है अच्छा अच्छा अच्छा, अपने दुपट्टे की तरफ देखती है। अब रॉनी इतने में मन में सोच रहा होता है कॉफ़ी के लिए पूछ ले, नहीं नहीं डेट के लिए पूछ ले, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तू डेस्परेट लगेगा, एक काम कर उससे ना उसका नंबर ले ले। अब ये सब सोच ही रहा होता है ना, इससे पहले कुछ बोल पाता, जो अदीरा होती है ना वो क्या करती है, वहाँ से उठ के ना सीढ़ियों पे जाने लगती है, और जो बेचारा प्लास्टिक का कार्ड होता है ब्लू कलर का, वो वहीं पे पड़ा रहता है, वो बस देखता है बेचारा कितना लाचार है ये रॉनी, की कुछ बोल भी नहीं पाया। और आज जब रॉनी ने ना अदीरा को देखा था, तो बहुत सारे ख्याल उसके मन में चल रहे थे, जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी ना वो सारी रिकॉल होने लगी थी, और वो एक एक चीज़ याद करने लगता है कि जैसे कि कोई कल की बात हो, सब कुछ उसको पुराना याद आने लगता है। वो ना उसके साथ ही उसी मेट्रो स्टेशन में आ जाता है। अब जो फीमेल्स की लाइन होती है ना, वो बहुत छोटी होती है, जबकि जो मेल्स की लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अदीरा के आगे ना बस 2 फीमेल्स खड़ी होती हैं, वो फटाफट चेक इन करके ना कार्ड को वहाँ पे दिखा के आगे बढ़ जाती है। और जो बेचारा रॉनी होता है ना, वो वहाँ पे 2 मोटे मोटे आदमियों के बीच में पिस रहा होता है, इतनी लंबी लाइन होती है। और जब फाइनली उसका टर्न आता है ना, तो वो पोडियम पे खड़ा होता है, अपने हाथ फैलाता है। जो वहाँ पे ऑफिसर खड़ा होता है ना, जो चेक कर रहा होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं किसी को चेक करूँ, बस वो अपनी मजबूरी में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। और जो रॉनी का बैग होता है ना, वो भी एक्सरे मशीन से बाहर आ जाता है, और वो मन में सोचता है ना कि हे भगवान प्लीज़, इस कार्ड में इतने पैसे ज़रूर हों कि ना मैं कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ। और जैसे ही वो अपना कार्ड वहाँ पे लगाता है ना, उसके कार्ड में इतना बैलेंस होता है कि जहाँ उसको जाना होता है। और एक बार जब वो भी मेट्रो के अंदर आ जाता है ना, वो इधर उधर देखता है कि वो है कहाँ पे, और वो वहाँ पे दूर थोड़ी दूर पे खड़ी होती है। अब रॉनी क्या करता है ना, उसके जैसे उसके पास से गुजरता है, एकदम से ना उसको बहुत सारी अच्छी स्मेल आती है। एक स्मेल होती है उसके शैम्पू की, पर्पल मिस्ट की, और जो उसका फेवरेट बॉडी वॉश होता है, जो कि बॉडी शॉप से वो लेके आती थी, ब्रिटिश रोज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं ना हमेशा पिछले 3 साल में उसके साथ शॉपिंग पे जाया करता था, मेरा मतलब उसके साथ नहीं लेकिन तमन्ना के साथ वो जाती थी, और मैं हमेशा ना रोहित को अपने साथ खींच के लेके जाता था, हम लोग उस पर ना नज़र रखते थे। जो रोहित था ना, वो तो नज़र रखता था, लेकिन मेरे लिए ना वो वन साइडेड डेट हुआ करती थी। अब वो ना एस्केलेटर लेता है, क्योंकि उसको जाना होता है कनॉट प्लेस, और वो ना मन में यही उम्मीद कर रहा होता है कि जो अदीरा है ना, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। चलो अगर इस पे भी नहीं आएगी, तो सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, जो कि ट्रेन जा रही होती है वैशाली को। अगर वो वहाँ पे भी आएगी ना, तो भी एटलीस्ट उसको एक बार तो ज़रूर मौका मिलेगा कि वो उसको देख सकता है।
और वो ना वहाँ पे इंतज़ार करता है कि कब आएगी, तो वहाँ पे जो सीटें होती हैं मेट्रो स्टेशन पे ना, वहीं पे वो बैठ जाता है कि चलो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। लगातार 5 मेट्रो ट्रेन्स आती हैं, रुकती हैं कनॉट प्लेस के लिए, फिर वो चली जाती हैं। अब ना उसको अपनी जॉब की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको एक बात तो श्योर हो गई थी कि भाई जो नया मैनेजर है ना, अब तक तो उसने उसका टर्मिनेशन लेटर भी टाइप कर दिया होगा, अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, और बस मुझे अब ऑफिस जाना है, टर्मिनेटर लेटर को कलेक्ट करना है बस, और कोई बात ही नहीं है। और अपने ना बेवकूफ़ मन को समझाता भी है कि कोई बात नहीं है, जॉब ही तो थी। और उसका मन कहता है ना कि भाई जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये प्यार है तेरा जो पिछले 2 साल से था, वन साइडेड प्यार। अब वो ये डिसाइड करता है ना कि जो अगली ट्रेन है वो उससे ऑफिस जाएगा, और वो देखता है जब टाइम ना, तो उसमें 2 मिनट अभी होता है कि 2 मिनट बाद ट्रेन आएगी, और वो सोचता है ना 2 मिनट है अभी, शायद वो उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए। मन में सोच ही रहा होता है ना, जो ट्रेन होती है वो उसको बिल्कुल दोबारा से सरप्राइज़ कर देती है, क्योंकि जो ट्रेन थी ना जो 2 मिनट बाद आने वाली थी वो 1 मिनट पहले ही आ गई है। वो इधर उधर देखता है, बहुत डिसअपॉइंट होता है, फिर उन्हें बाकी लोगों के साथ ट्रेन में घुस जाता है। वो अपना फ़ोन भी चेक कर रहा था बीच में कि भाई कोई मैसेज आया हो, कोई मिस कॉल आया हो, लेकिन कुछ भी नहीं था, कोई ऑफिस से कोई मिस कॉल नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही वो ट्रेन में घुसता है ना, दरवाजे के पास वाली जो सीट होती है ना, वहाँ पर जो बंदा होता है वो उठ जाता है, जो रॉनी होता है ना, फटाक से सीट पर बैठ जाता है। अब अनाउंसमेंट होता है ना कि दरवाजे बंद होने वाले हैं, और वो ना लास्ट टाइम बस एक बार देखता है कि शायद कोई आ जाए, और अचानक से ना जो अदीरा होती है वो भाग तो भी आ रही होती है ट्रेन की तरफ, और उसने ना एक लड़की का हाथ पकड़ रखा होता है जिसने कॉटन कलर का दुपट्टा अपने मुंह पे बांध रखा होता है, और वो लोग ना लेडीज़ कंपार्टमेंट में चले जाते हैं दरवाजे बंद होने से पहले। जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ती है ना, जो रॉनी का दिल है ना वो भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है, और जो रॉनी होता है ना अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। अब रॉनी कहता है भाई जिन लोगों ने ना दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करा होगा, खासकर जब पीक समय होता है सुबह और शाम का, उन लोगों को पता होगा कि मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस करा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोई अपनी सीट नहीं देता। और वो ना वहाँ से निकल के ना सीधे जो लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है उसके जस्ट पीछे वाले कंपार्टमेंट में आके ना बिल्कुल वहीं कोने पे खड़ा हो जाता है, और वो ना ढूंढ रहा होता है कि अदीरा है कहाँ। अब रॉनी को ना ज़्यादा देर नहीं लगती कि वो अदीरा को ढूंढे, वो भीड़ में भी ना उसको पहचान लेता है। जो अदीरा होती है ना उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो रॉनी की तरफ होता है, और जो उसका ब्यूटीफुल ओम का टैटू होता है ना उसकी गर्दन के नीचे, वो उसके कुर्ते से साफ दिखाई दे रहा होता है। और वो ना अपने हाथ हिला हिला के ना सामने जो उसकी दोस्त थी उस लड़की से बात कर रही होती है। अब जो रॉनी होता है ना वो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पर खड़े होकर बस स्माइल कर रहा होता है, और वो सोचता है ना कि जिस स्टेशन पे ये उतरेगी ना मैं भी उसी स्टेशन पे उतर जाऊँगा। अब ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन क्रॉस कर रही होती है, फाइनली वो पहुँचती है राजीव चौक। अब उसको ना कायदे से राजीव चौक पे उतरना था, क्योंकि भाई वहाँ पे ही उसका ऑफिस था, वहीं से उसको ऑफिस के लिए भी जाना था। और इतने में होता है क्या, जो अदीरा होती है ना उसकी दोस्त होती है वो भी वहीं पर उतर जाते हैं, और बस ये उम्मीद कर रहा होता है ना जो उसकी दोस्त है वो यहाँ से निकल जाए, मैं फटाफट इसके पास जाऊँ, मैं इससे बात कर लूँ। लेकिन जैसे ही वो देखता है ना कनॉट प्लेस पर जो उसकी दोस्त होती है, जिसने मुँह पर कपड़ा बांध रखा होता है, जब उसको हटाती है ना, तो वो होती है और कोई नहीं बल्कि तमन्ना। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो खत्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।